प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। आपने आज क्राइम फ्री भारत को बनरा जी के माध्यम से ज्वाइन किया। मैं आपका क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट के बतौर और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बतौर आपका स्वागत करता हूं। आपको कितना समझ में आया कि क्राइम फ्री भारत कैसे इस देश को बदलेगा और आपको क्या मिलने वाला है, ये क्या कुछ आपको समझ में आया है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो सबसे पहले क्या आपको ये समझ में आया है कि हमारे राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद भी आपके ऊपर जो गुलामियों के नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, जिसकी मूल भावना आपको अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और शोषित करना थी, वही सब नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं, इस बात का एहसास है क्या आपको? अब आज के टाइम में? क्या जी? आज के टाइम में? हाँ, आज के टाइम में अभी भी आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, और हमारे दुष्ट राजनेताओं को वही नियम कानून बहुत भा रहे हैं क्योंकि वो आपको कुचलने के लिए उनके उपयोग में भी आ रहे हैं। आज देखिए, आपका सिर फटा हुआ है और जिन लोगों की विधिक जिम्मेवारी है वो अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरा नहीं करते हैं, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। यदि मैं आपको 9 दिन का सरल उपाय बताऊं जिसके माध्यम से आप इस पूरी व्यवस्था को बदल पाएंगे, और ये मात्र 9 दिन में संभव है यदि हम 9 दिन का सरल उपाय करें, तो मनीषा जी क्या आप 9 दिन का सरल उपाय करेंगी जिसके तहत आपको अपने लोगों को जोड़ना है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, मित्रों को जोड़ना है, जहां आप रह रहे हैं वहां के पड़ोसियों को जोड़ना है, युवा साथियों को जोड़ना है, बुजुर्ग साथियों को जोड़ना है, और जिन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है। तो मनीषा जी, क्या आप अपने